छोटी चिड़िया परी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ आज जंगल में चूड़ियों का बाजार लगा है, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए रंग बिरंगी चूड़ियों ज्वेलरी खरीदने जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन रात होने से पहले लौट आना, जंगलों में बहुत सी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपने पक्षी रूप में जंगल में जाऊंगी और रात 9 बजे से पहले घर लौट आऊंगी। ध्यान रखना टुनटुनी बेटा, 9 बजने के बाद तुम अपने परी रूप में आ जाओगी। वैसे भी परी रूप में तुम जंगल में नहीं रह सकती। टुनटुनी परी पैसे लेकर जंगल के बाजार में आ जाती है। अरे वाह, इतनी सारी दुकानें, इतनी सारी चूड़ियां, मजा आ गया। टुनटुनी परी दुकानों पर खरीदारी करने में व्यस्त हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब सूरज ढल गया। लगता है रात हो गई है, अब मुझे परीलोक में जल्दी से जाना चाहिए। टुनटुनी परी जंगल के रास्ते से परीलोक की ओर बढ़ रही थी कि तभी भूतिया टुही चिड़िया की आत्मा से पकड़ लेती है। बहुत दिनों के बाद एक परी हाथ में आई है। मैं जानती हूँ कि तू एक परी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं किसी को खाती नहीं हूँ, उन्हें बस परेशान करती हूँ। भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी परी को एक बोतल में बंद कर देती है और बोतल को एक नदी में फेंक देती है। जा जी ली अपनी जिंदगी टुनटुनी परी, फिर कभी दोबारा नहीं मिलना, वरना अब की बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। उधर रामपुर गांव में कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था, तभी उसको नदी में एक बोतल तैरती हुई दिखाई देती है। कालू तुरंत नदी में कूद कर जाता है और बोतल को किनारे पर ले आता है। अरे बोतल में तो एक चिड़िया परी है, ये इसमें कैसे चली गई? कालू बोतल को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बोतल नहीं टूटती। तभी टुनटुनी परी कहती है, ये बोतल भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा की है, तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। तुम मुझे जादूगर के पास ले चलो, वो पहाड़ी पर मिलेगा, उसके पास एक जादुई हथौड़ा मिलेगा, उससे ये बोतल टूट जाएगी। अच्छा ये बात है, तुम 5 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जब वो लौट कर आता है तो देखता है कि वहाँ बोतल नहीं थी। अरे मैंने तो बोतल यहीं रखी थी, फिर कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ, मुझे साधु बाबा के पास जाना होगा, वही मेरी मदद कर पाएंगे। कालू साधु बाबा के पास मदद मांगने जाता है। ये देखो, जादुई गोले में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से बोतल को उठा कर ले गई है। कालू ये लो तलवार, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पेट में घुसा देना, तभी वो मर जाएगी। कालू भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की गुफा में जाता है और उसे देखकर वो कहती है, अच्छा तू आया है कालू कौवा इस परी को बचाने, तू जानता नहीं है तो किससे पंगा ले रहा है, मैं इसी परी के साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगी। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और कालू कौवे की खूब लड़ाई होती है। अंत में कालू वो तलवार भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पेट में घुसा देता है, वो वही मर जाती है। थैंक यू कालू, लेकिन अभी भी मैं बोतल से आजाद नहीं हो पाई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादूगर के पास लेकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आजाद करवा कर रहूँगा। ये कहते हुए वो उस बोतल को जादूगर के पास ले जाता है। जादूगर तुम इस परी को अपने जादुई हथौड़े से आजाद कर दो। ये सुनकर जादूगर अपने जादुई हथौड़े से बोतल तोड़ देता है और उस जादुई परी को आजाद कर देता है। शुक्रिया कालू, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं बच नहीं पाती। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। ये कहकर टुनटुनी परी अपने परीलोक चली जाती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी सुंदरी टूनी तीनों बहन मिलकर हाईवे पर ढावा चलाती थी। ऐसे ही सुबह उठकर सुंदरी झाड़ू लगा रही थी, तभी टूनी कहती है, सुंदरी जल्दी से सफाई कर ले, ढाबे पर पक्षियों का आने का समय हो रहा है, और टुनटुनी खाना पक तो रहा है ना?
अरे दीदी आप फिक्र मत करो, सब्जियां तैयार है और आटा गूंद दिया है, बस गरम गरम सेक कर परोसना है ग्राहकों को। तभी गाड़ी से तीन भाई निकल कर आते हैं। अजी जरा हम तीन भाइयों के लिए एक बढ़िया सा खाना लगा दीजिए। ठीक है आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम अभी लाते हैं। कुछ देर में तीनों बहनें खाना लेकर जब टेबल पर पहुंचती हैं तो तीनों भाई उनकी खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाते हैं। अरे यहाँ पर एक भी मेल वर्कर नहीं है, आप तीनों इस ढाबे को चलाती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, हम तीनों बहनें ही इस ढाबे को चलाती हैं। ये सुनकर तीनों भाई खाना खाकर कहते हैं, आप सबने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, ये लीजिए पैसे, अब चलते हैं। ये कहकर वो तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और रोज रोज बहाने से उनके ढाबे पर आने लगते हैं। भाई मैं कह रहा था हम तीनों भाइयों को वो तीनों बहनें पसंद हैं और उनका इतना मशहूर ढाबा भी है, अगर हमने उस ढाबे को बेचा तो लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, क्या कहते हैं उनसे शादी कर लें। तूने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी वो तीनों गवारसी हैं, हमारी चालाकी को समझ नहीं पाएंगी। तीनों पक्ष इन तीनों बहनों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर उनसे शादी कर लेते हैं और शादी का ढोंग रचाते हैं। पैसों के लालच में वो ढाबे पर उनकी कभी कभार मदद कर दिया करते थे, वो ढाबे के पैसों से शराब पीते थे। एक दिन वो अपने ढाबे पर दो डांसर चिड़िया को लेकर आते हैं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे डांस की वजह से ही हम तुम्हें यहाँ लाए, अब यहाँ इतना अच्छा डांस करना कि तुम्हारे डांस से पक्षी इस ढाबे पर खिंचे चले आए। तभी वो डांसर चिड़िया ढाबे के बाहर डांस करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर गाड़ी के पक्षी ढाबे पर आते हैं। ये देखकर तीनों बहनें कहती हैं, ये सब क्या है, यहाँ पक्षी अब खाना खाने कम और डांस देखने ज्यादा आ रहे हैं। आप इस चिड़िया को हमारे ढाबे पर क्यों लाए हैं? हमारा ढाबा कोई डांसिंग बार थोड़ी है जो आप इस चिड़िया को लेकर आए हैं। हम अपनी मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाते हैं, प्लीज इन्हें वापस भेज दीजिए। अरे इसमें क्या बुराई है, उसके आने से देखो कितने लोग आ रहे हैं, खाना ना सही, इसके तो पैसे देकर जा ही रहे हैं ना, वो भी ज्यादा। देखिए मुझे ये बात मंजूर नहीं है, आप इस चिड़िया को वापस भेज दीजिए जितना जल्दी हो सके। ये सुनकर वो तीनों भाई गुस्से से कहते हैं, इन तीनों ने हमारी तोहिन की है, हमें बहुत सुनाया है, मन तो कर रहा है जान ले लूं इनकी। अरे सोचना क्या है, मार डालते हैं इन्हें, वैसे भी हमें इनका ढाबा चाहिए था, इन्हें मारने के बाद ही हमारा कब्जा है। ये कहकर वो जबरदस्ती उन तीनों की एक सुनसान जगह पर ले आते हैं और उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात समझ नहीं आती है क्या, और वैसे भी हमने आप लोगों को चिड़िया के साथ कई बार देखा है, हम आपकी पत्नी है, हमें कितना बुरा लगता है आप जानते नहीं है। कौन सी पत्नी, हम तीनों भाइयों को तुमसे कभी प्यार ही नहीं हुआ था, ये सब सिर्फ तुम्हारे ढाबे पर कब्जा जमाने के लिए किया था, जो कि अब हमें मिल जाएगा। इसका मतलब आप सबने हमें धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, जो हम चाहते थे हमने वही किया, तुम सबको धोखा दिया और अब हम लोगों को तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही तीनों पति अपनी पत्नियों को मारकर चले जाते हैं और एक पक्षी को ढाबा बेचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनें भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर वापस आती हैं। हमारे पतियों ने हमें धोखा दिया, उसका बदला तो लेना ही होगा। दीदी तुमने ठीक कहा, इन तीनों को छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हमारे ढाबे और हमारे प्यार के साथ जो किया उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। ये कहते ही तीनों बहनें अपने ढाबे पर पहुंच जाती हैं, जहां एक पक्षी ढाबे को तोड़ने ही जा रहा था, तभी तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे मारकर कहती हैं, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ढाबे को तोड़ने की। भूतिया चिड़िया की आत्मा, वो भी तीन तीन, मुझे माफ कर दो, मुझे मारना मत, ये ढाबा तो मैंने खरीदा है 50 लाख में उन तीन पक्षियों से। उन्होंने ये बेच दिया है, उन्हें खत्म करना ही होगा। सुन बे टकले, अगर दोबारा इस दरवाजे पर आया तो तू जिंदा बचने के काबिल नहीं होगा, चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने ढाबे को तोड़ने से बचा लेती हैं और उन तीनों भाइयों को ढूंढकर मार डालती हैं और कहती हैं, हम मारना नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, उसका हर्जाना तो भुगतना ही था, इन्होंने सोचा कि हमारे ढाबे को हमसे छीन लेंगे, नहीं हम अपने ढाबे को दोबारा चलाएंगे।
ये कहकर वो अपने तीनों पतियों की लाश नदी में फेंक देती है, जिसके बाद वो अपना रूप बदल कर अपने ढाबे को फिर से चलाती है, जहाँ सभी पक्षी पेट भरकर खाना खाया करते थे। शाम के समय टूनी चिड़िया एक मूली ट्रे में अपने सर पर मसालेदार मूली की टोकरी लिए मूली बेच रही थी। मूली ले लो मूली, मसालेदार मूली, ताजा ताजा मूली, टूनी की मूली ले लो, जो ना खाए वो पछताए, जो खाए उसे पसंद आए। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ खिलाओ। ये बोलते ही बंटी कबूतर मसालेदार मूली को खाकर कहता है, अरे तुम्हारी मूली में तो बड़ा स्वाद है, इसका चटपटा मसाला तो बहुत अच्छा है, जरा और नींबू लगा दो। अरे बहन जी आप भी चखिए ना ये मसालेदार मूली। क्या बोला आपने, मैं आपको बहन जी दिखाई देती हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मुझे मूली खाना पसंद नहीं है, तो आप आगे बढ़िए। अरे बेटा लो एक बार मूली खाने में क्या जा रहा है, बड़ा स्वाद है, जैसे तुम जिम में सैलड खाते हो उसी तरह मूली भी तो सैलड है। आप पागल हो गए हैं क्या पापा, मुझे नहीं खाना ये गंदा सा, मैं टमाटर खा लूँगी, घास वाला धनिया भी खा लूँगी, आंसू वाला प्याज भी खा लूँगी, पर ये बदबूदार मूली बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, प्लीज जाइए यहाँ से। तभी बंटी कबूतर मूली खाकर जोरदार गैस छोड़ता है, जिसकी आवाज परमाणु कम नहीं होती। आहा, पेट की सारी गैस यहीं पर निकल गई। आए हाय, ओह माय गॉड कितनी गंदी गैस छोड़ी है, ऊपर से पापा को भी बस ये मूली वाली ट्रेन ही मिली थी, तरबूज ट्रेन, आलू ट्रेन, मैंगो ट्रेन, फिर भी इसी ट्रेन में बिठा दिया, सोचते ही दिमाग में बदबू आती है मुझे। अरे आंटी आप अपनी मूली किसी और ट्रेन में जाकर बेचिए। ये सुनकर वो अपने असली रूप में आ जाती है और उससे कहती है, मूली तो मैं खिलाकर ही मानूंगी, जल्दी से खा इसे वरना तुझे मैं मार डालूंगी, जब तक तू भी इस मूली को खाएगी नहीं मेरा काम पूरा कैसे होगा। भूतिया चिड़िया की आत्मा आसपास बैठे सभी पक्षियों को जबरदस्ती मूली खिलाती है, वो पक्षी मूली खाकर कुछ देर बाद ही जहरीले गैस छोड़ते हैं, जिसे सूंघते ही वो सभी पक्षी मर जाते हैं। जो मैं चाहती थी वो हो ही गया, लेकिन इस मूली ट्रेन में बैठकर आखिर पक्षियों ने मूली का स्वाद चखी लिया, ये तो बस शुरुआत है, अभी इस पूरी ट्रेन में बैठे सभी पक्षियों को मूली चखाऊंगी, मूली खाते ही ये पक्षी इतनी जहरीली गैस छोड़ेंगे जो भी सूंघेगा तुरंत मर जाएगा। ये सब होता हुआ अगले डब्बे से जुड़ा कालू कौवा देख लेता है, इसका मतलब अब ये भूत या चिड़िया की आत्मा इस डिब्बे में आकर पक्षियों को मारने वाली है, अरे मुझे पक्षियों को बचाना होगा। ये बोलते ही कालू सब पक्षियों को अपने मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए कहता है, साथ ही मूली खरीदने से भी इनकार करता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा भेष बदल कर मूली बेचती है, तभी कालू कहता है, भूतिया चिड़िया की आत्मा हम तेरी असलियत जानते हैं कि तू मूली बेचकर पक्षियों को मार रही है, बेहतर होगा तू चुपचाप यहाँ से चली जा, हम तेरे झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें तो मरना होगा। पर क्यों आखिर, तुम्हें पक्षियों को इस तरह मारकर क्या मिल रहा है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे, मुझे भी तो इसी तरह मारा था, आज से एक साल पहले मैं भी इस ट्रेन से अपने गांव जा रही थी, मुझे मूली बहुत पसंद थी, मैंने इस ट्रेन में मूली खरीदी और खा ली, मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, आसपास के पक्षी मुझे बोलने लग गए, अरे पागल हो क्या, जाओ यहाँ से, यहाँ पर बैठ कर मूली मत खाओ। मैं क्यों जाऊँ, यही रहूँगी और यही मूली खाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। टूनी मूली खाने से नहीं रुकती, फिर कुछ पक्षी उसे जबरदस्ती ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और अपने जादू से इस ट्रेन को मूली ट्रेन बना दिया, और मूली बेचकर तुम पक्षियों को मार रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बेमौत मारा गया था, मेरी क्या गलती थी। तभी कालू कौवा सोचता है,
इसका मतलब इस ट्रेन को ही जलाना होगा मुझे, और पक्षियों को भी बाहर निकालना है। ये कहते ही कालू पक्षियों को अगले स्टेशन को उतार देता है, जिसके बाद सभी पक्षी स्टेशन से मिट्टी का तेल लेकर उस ट्रेन को जला देते हैं। मूली ट्रेन के साथ ही वो भूतिया चिड़िया की आत्मा भी भस्म हो जाती है और सभी पक्षी की जान बच जाती है।